आगरा के 43वें थाने कमला नगर का विधि विधान से उद्घाटन हुआ। एडीजी जॉन अजय आनंद ने फीता काटकर किया कमला नगर थाने का उद्घाटन। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। आधुनिक तरीके से बनाया गया है थाना कमला नगर। कमला नगर थाने के पहले निरीक्षक बने नरेंद्र शर्मा। बलकेश्वर चौकी में बनाया गया है कमला नगर थाना। कमला नगर थाने में ब्रज विहार, कमला नगर और बलकेश्वर चौकी को रखा गया है। देखिए, ये शहर क्षेत्र में थाना न्यू आगरा के अंतर्गत कुछ एरिया थे जिनकी संबंध में काफ़ी दिनों से मांग थी और शासन के द्वारा जो है थाना को स्वीकृत कर दिया गया था, जिसको पूरी तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन कराते हुए बनाते हुए इसका प्रारंभ जो है करा लिया गया है। आज यहाँ एडीजी महोदय, आईजी महोदय और मेयर साहब एवं विधायक जी के द्वारा जो है यहाँ आकर इसका शुभारंभ भी करा लिया गया है। जो थाने की फंक्शनिंग के लिए CCTNS रिकॉर्ड्स रजिस्टर्स की ज़रूरत थी, वो सारे रिसोर्सेज उपलब्ध करा दी गई हैं। पुलिस बल भी तैनात अपने रिसोर्सेज से करा लिया गया है। मैं समझता हूँ इस थाने के नए खुलने से यहाँ आसपास के क्षेत्र में जो चौकी बलकेश्वर, चौकी कमला नगर और चौकी ब्रज विहार, इनके सभी लोगों को सुविधा होगी। उनके एप्लीकेशंस, उनके मुकदमे यहीं इसी थाने में दर्ज किए जाएंगे, तो जो इनकी समस्याएं थी उसका हल होगा और शासन ने इस थाना को स्वीकृत कर दिया है, जिससे मैं समझता हूँ सभी लोगों को फायदा होगा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। देखिए, मैं सर्वप्रथम तो कमला नगर और बलकेश्वर और ब्रज विहार की जनता को बधाई देना चाहूँगा कि 25 वर्ष से पुरानी जो हमारी मांग थी, आज वो मांग पूरी हुई। जब भी कमला नगर का 1975 में शुरुआत हुई कमला नगर बनने की और पूरी तरह 77-78 में विकसित हो गया कमला नगर, ये फिर भी जंगल के रूप में लोग, शहर के लोग कमला नगर आने में डर लगा करता था। कमला नगर के पीछे जमुना और जमुना के पीछे के जो लोग थे वो वहाँ से रास्ता बनाकर अपराध करने के लिए कमला नगर में प्रवेश करते थे। डकैती, लूट, जब भी घटना होती थी कमला नगर में दहशत का माहौल बनता था, पूरे शहर में हल्ला मचता था। और उसका कारण था कि क्षेत्र बहुत बड़ा था, कमला नगर में फोर्ट कम था, तो अपराध पर अंकुश नहीं लग पा रहा था। तो हम सब लोगों ने मांग किया कि जब तक अपराध नहीं रुकेंगे, जब तक कमला नगर में थाना स्वयं का थाना ना होगा, थाना बनने के बाद फोर्ट पूरा मिल जाता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से और जो थाने बन के कम्प्लीट हुआ है, और मैं कहना चाहूँगा कि लगभग 3 महीने के भीतर ये थाने पे जो कंस्ट्रक्शन हुआ वो पूरा हुआ और सारी व्यवस्थाएं ठीक हो गई। यहाँ का फोर्स अब अलग आ गया, यहाँ के इंचार्ज अलग आ गए, एक अच्छा पवित्र कार्य हुआ है। और इसमें निश्चित रूप से कमला नगर क्षेत्र की जनता को बहुत लाभ मिलेगा। मैं इस थाने को बनवाने में लगे हुए जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन सबका साधुवाद करूँगा कि उन्होंने अथक परिश्रम करके ये थाने को नया रूप दिया है। क्या कहना चाहिए, कितना अच्छा रहेगा ये इस क्षेत्र के लिए चिर प्रतीक्षित मांग थी कि कमला नगर क्षेत्र में थाना बने। मुझे ध्यान आता है कि 1991-92 में हमारे स्वर्गीय श्री सत्यप्रकाश जी विकल, जो आगरा के सलाखा पुरुष थे, उन्होंने इसके लिए प्रयास किया। हमारे दिवंगत विधायक माननीय जगन जी ने भी प्रयास किया, लेकिन अब उसे सफलता मिल पाई है। लोगों की भावनाओं के अनुरूप आगरा के पुलिस प्रशासन ने ये थाना हम लोगों को दिया है। और सबसे बड़ी बात यह कि बहुत कम समय में इस थाने का निर्माण हमारे SSP साहब और थाना न्यू आगरा के प्रभारी तिवारी जी, लगातार मैं भी यहाँ कई बार आया, देखने को मिला, और बहुत अच्छा प्रयास पुलिस ने किया है। और मेरा विश्वास है कि ये थाना लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वैसे तो सामान्य रूप से ठीक है यहाँ की, लेकिन और अधिक सुधार होगा ऐसा मेरा विश्वास है। यहाँ की पुलिस को बहुत बहुत बधाई, यहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई। एक लंबे समय के बाद ये थाना मिला है और यहाँ की पुलिस अच्छे ढंग से काम करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सभी को बधाई।